काफ़ी अवेयरनेस फिजिकल फिटनेस के हवाले से कैंप लगाए जा रहे हैं, खास करके कोविड-19 की वजह से दिक्कतें जरूर आ रही हैं, उसमें ऑनलाइन भी आप जुड़े हैं। हमारे यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे काफ़ी जो टीचर हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाई है फिट इंडिया मूवमेंट में, वो भी जुड़े हैं। ऑनलाइन भी जो एक्सपर्ट हैं वो फिट इंडिया मूवमेंट में अलग अलग तरीके फिजिकल फिटनेस के हवाले से ऑनलाइन भी बता रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स के भी काफ़ी टीचर जुड़े हुए हैं। जी के मुबारक हाथों से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आगाज हुआ, जो आज मैक्सिमम उनके बच्चे ही आप देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंह के लिए जोरदार तालियां बच्चे बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये मेहनत की है। आज उस रेवरी खेल के भी जो टीचर यहाँ पे आए उसके बाद मौजूद हैं, जिसमें कि मोहम्मद कासिम सर जो कि एज अपसेटिंग ऑफिसर भी हैं। पैगाम जो 15 अगस्त से शुरू हुआ, हमारे मोहतरम प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये पैगाम है पूरे देश के लिए कि किसी ऑर्गेनाइज की और इस स्टेज से अजीज़ बच्चों आपके ज़रिए ये हमारे मुल्क में हमारे ज़िला में ये एक मैसेज कन्वे करना है हम सब ने कि हम लोगों ने सेहतमंद रहना है। वो सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद स्पोर्ट्स से जुड़े रहना है, बुरी आदतों से दूर रहना है। जब तक हम फिज़िकली फिट रहेंगे तो हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारा कारोबार जो है और उसी के साथ हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फिट इंडिया रन फ्रीडम रन के तहत आज एक छोटा सा स्मॉल रन किया गया है, और इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियात के साथ बच्चों ने आज ये हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्ट ऑफिस के थ्रू ये यहाँ पर जो ये फ्रीडम रन जो है वो कराई जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पोर्ट्स हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट का। हमारे पुंछ में एक बहुत अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का। कोरोना के बीच में भी आपको बच्चे एहतियात के साथ हमेशा यहाँ पर खेलते हुए मिलेंगे, और ये एक अच्छा कल्चर है जो आपको ना केवल आपको तंदुरुस्त रखता है, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर रखने में मदद करता है। गेम्स जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर रखने में मदद करते हैं। मैं सभी पुंछवासियों को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वर्कआउट करें, और जिससे कि वो उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो और वो खुद को तंदुरुस्त भी बनाए रखें। थैंक यू।